तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आइए, आज हम लोग जो भी स्टूडेंट बार्क या NPCIL में फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस टॉपिक जो आपके हैं वो मैं अब कवर कर रहा हूँ। और जो भी पिछले वीडियो में जो पेड कोर्स में पढ़े होंगे, तो लॉगरिथम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम आइए उसी का कुछ PYQ पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे और सेम टाइप भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। देखिए, अभी जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सारा PYQ क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चन है वो हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ log(1/81) base 27 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जो मैंने पेड कोर्स में फर्स्ट वीडियो जो डाला हूँ उसी के कॉन्सेप्ट पे है, जो कि मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ, सेम वही प्रॉपर्टी पे आपके ये सॉल्व होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला क्या गया है कि लॉग, यहाँ पे देख सकते हैं base 27, और लॉग की जो वैल्यू है 1/81 है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे किस फॉर्म में। तो देखिए, 1/80 जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/81 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1/3^4 लिख सकते हैं, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3^-4 होगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे 27 को, तो 27 को 3^3 लिख सकते हैं, 3 3 = 9, और 9 3 = 27, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा लॉग, ठीक है, 3^3, फिर यहाँ पे 1/, या डायरेक्ट आप लोग यहीं पे लिख सकते हैं 3^-4। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि log(a^m) base (n^x) तो क्या हो जाता है, यहाँ पे -4/3, इसका जो पावर होगा वो बटे बेस का जो पावर होगा वो नीचे डिवाइड होगा, इंटू लॉग जो वैल्यू है बाय बेस, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लॉग ए, ठीक है, लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है, उसी पे है log(3/3) = 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके जो वैल्यू बचेंगे -4/3, जो कि आप लोग देख सकते हैं किस ऑप्शन में है -4/3, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया log(1/81) base 27, इसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे। तो ये देखिए, हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप लोग याद किए होंगे सेम उसी प्रॉपर्टी पे PYQ पेपर्स भी पूछे गए हैं, और आगे आने वाली क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 1/81 दिया है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3^4 लिख सकते हैं, और इसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3^-4 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, फिर हम लोग बेस को भी लिख सकते हैं 3^3। अब देखिए, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखने से ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बन जाता है, जिसके बाद हम लोग इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी इस फॉर्म में होगा कि बेस कुछ होगा और उसका पावर होगा, फिर जो लॉग की वैल्यू है उस पर कुछ पावर होगा, तो क्या होता है कि लॉग का पावर बटे बेस का जो पावर है वो डिवाइड हो जाता है, फिर लॉग के जो वैल्यू है यहाँ पर बचेंगे log(3), ठीक है, और फिर बेस में यहाँ क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है, तो वही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, log(3/3) सेम वैल्यू होता है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा log-4/3 × 1, तो क्या हो जाएगा, log(4/3), ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दे रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम है, पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log(9/27) × log(64/16) / log√2/4। तो देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे log, ठीक है, log वैल्यू बाय log बेस, ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो log क्या हो जाएगा, वैल्यू 9 है, तो log(9/27) हो जाएगा। फिर सेम मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे log(64) / क्या हो जाएगा, log(16), ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आपके मल्टीप्लाई में यहीं पे सेम
यहीं पे आप लोग मल्टीप्लाई में ऊपर ही हो जाएगा, फिर नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में, लॉग 4 अपॉन लॉग क्या हो जाएगा, लॉग रूट अंडर 2। तो यहाँ तक अगर हम लोग लिख लेंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो निकल के आएंगे 2 लॉग 3 बाय 3 लॉग 3 लॉग 3। अब देखिए ये हम कैसे लिखे हुए हैं, तो 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स लॉग ए, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज किए हुए हैं। अब उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 log 3 अपॉन 3 log 3 मल्टीप्लाई 6 log 2 अपॉन 4 log 2 मल्टीप्लाई 2 log 2 डिवाइडेड यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log 2। तो देखिए हम यहाँ पे 2 और 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए हम लोग इसका पहले सबसे पहले क्या लिखे थे, लॉग 9 बाई लॉग 27, तो 9 को 3 पर स्क्वायर पावर लिख सकते हैं, तो 3 पर स्क्वायर तो ये हो जाता है 8 पावर एक्स, मतलब इसका मतलब हो गया 3 पर पावर 2, तो क्या हो जाता है 2 लॉग 3। तो यहाँ पे लिखे हैं 2 लॉग 3, और इसी प्रकार से मैंने सभी का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, लॉग 3 बाई 3 तो ये आपके 1 वैल्यू हो जाएगा, फिर लॉग 2 बाई 2 यहाँ भी 1 वैल्यू हो जाएगा, फिर लॉग 2 बाई 2 ये भी क्या हो जाएंगे 1 वैल्यू हो जाएंगे। तो सभी मिला के जो आपके जो वैल्यू बच जाएंगे यहाँ पे 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 6 बाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे आपके जो वैल्यू निकल के आएंगे वो 4 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं 4 से 4 कट गया, फिर 3 2 जा 6 कट गया, और 2 2 जा 4, तो आपके 4 राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए लॉग से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो एक ही मार्क्स के आएंगे, और आप लोग इजीली बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 20^64 की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 20^64, ठीक है, हम लोग ये मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, हम लोग दोनों साइड को क्या करेंगे लॉग लगा देंगे। तो लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू 64 लॉग, यहाँ पे देख सकते हैं 64 लॉग 20, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी ए टू पावर एक्स है, तो क्या हो जाता है एक्स लॉग ए हो जाता है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखा है 64 आगे आ जाएगा और लॉग 20 हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए लॉग 20 का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फिर 64 यहाँ पे दे रखा है, तो 64 मल्टीप्लाई लॉग 20 का वैल्यू क्या है 1.3010, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 83.264। अब देखिए क्वेश्चन में ये आपके राइट आंसर नहीं होंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स के हैं 83 और प्लस 1 कर देना है आपको 84 डिजिट हो जाएंगे, जो कि आपके 84 आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू एस ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया, और ये NPCIL प्लांट ऑपरेटर एडवांस में भी पूछा गया और बार के एडवांस में भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं देके 1000 वैल्यू था, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करिए, बस पहले इसका वैल्यू लिख लीजिए, चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 1000, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में 999 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, मीन्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 1 आएगा। अब इस 1 को अगर हम लोग इस साइड लाते हैं लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अगर हम लोग फैक्टोराइज करेंगे तो फैक्टोराइज करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस अगर हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, x
माइनस टू, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आती है, एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन, और एक टू निकल के आती है। तो यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, जो कि डी नंबर बी एंड सी सही है ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेम आपको सेम टाइप है, ठीक है, इसमें भी आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर सिक्स में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फाइव, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बार के एडवांस पेपर में दिया गया। तो इसमें पूछा गया वन प्लस ए बी सी का वैल्यू, और ए बी सी हमें दे रखा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सेम उसी फॉर्म में लिखना है, लॉग वैल्यू बाय लॉग बेस। तो हम लोग अगर वैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ट्वेल्व अपॉन लॉग 24 को हम लोग डायरेक्ट 24 लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लॉग 24 को हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, लॉग आप लोग जब कॉपी में नोट करिएगा तो लगाते जाइएगा। तो यहाँ पे लॉग 36 मल्टीप्लाई लॉग 36 बाय क्या हो जाएगा लॉग 48। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो देखिए यहाँ पे 36 से 36 कट गया, फिर 24 से 24 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया लॉग 12 अपॉन क्या बच गया लॉग 48। तो देखिए हम लोग 24 में भी लॉग लगाएंगे, लॉग 24 अपॉन 26 होगा, ये इसका वैल्यू हम लोग लिखें लॉग 24 अपॉन 26 सॉरी 36, फिर हम लोग इसका वैल्यू लिखें लॉग 36 अपॉन लॉग 48। तो आप लोग याद रखिएगा मैंने इस प्रकार से लिखा, और ऐसे लिखने के बाद लॉग 24 बाय लॉग 24 ये कट गया यहाँ से, फिर लॉग 36 बाय लॉग 36 कट गया, बच गया सिर्फ लॉग 12 बाय लॉग 48, ये आपके यहाँ पे बच गए हैं। अब यहाँ से क्या पूछा गया, तो यहाँ से आपके जो पूछे गए वैल्यू वो आप लोग देख सकते हैं, लॉग यहाँ से क्या हो जाएगा, अब लॉग 12 मल्टीप्लाई 48 बचा हुआ था, फिर बाय लॉग 48, ठीक है, ऊपर में 12 और 48 दोनों बचे हुए थे, इसलिए मैंने लिखा 12 48। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो ये क्या हो जाता है, आपके 24 के स्क्वायर बन जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लॉग 24 के स्क्वायर अपॉन लॉग 48, ठीक है, हम लोग ये लिख लेंगे। तो ये फिर आपके हो गए यहाँ पे लॉग ए टू पावर एक्स का फॉर्मूले पे, तो ए टू पावर एक्स के फॉर्मूले पे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको 2 बाहर निकल के चलाएगा, फिर बच जाएगा लॉग 24 अपॉन लॉग अपॉन लॉग 48 हो जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 आगे में मल्टीप्लाई में है, तो दो बार लिखेंगे लॉग 24 अपॉन लॉग 36 मल्टीप्लाई लॉग 36 अपॉन लॉग 48। देखिए यहाँ पे लॉग 36 अपॉन लॉग 48 लिख दिए, लॉग 36 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से देखिए कट के सेम ही वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ लिखने से देखिए फ़ायदा क्या है मुझे, कि अब हम लोग इसको अगर लॉग 36 लिखते हैं तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, अब 2 इंटू लॉग 24 बेस 36। तो देखिए बेस बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, उसको उस फॉर्म में लिखे थे, इनटू क्या हो जाएगा लॉग 36 बेस 48, तो ये क्या हो जाएंगे 2bc, ठीक है, ये b का वैल्यू और ये a का, तो 2bc हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2bc जो हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए SW में है, ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सेवन है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेवन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सेम आपको उसी फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये जो टू आपके हैं, टू एट को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ठीक है, फिर 2 रूट अंडर 2 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 2 पर पावर, ये लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 पर पावर 3 बेस, तो ये क्या हो जाता है, बेस डिवाइडेड में आ जाता है 1/3 लॉग 2 लॉग 17 बेस 2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 23 बेस 3। यहाँ से माइनस में अब आ जाएंगे माइनस 2/3 लॉग 17 बेस 2 डिवाइडेड लॉग 23 बेस 3, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन अगर आपको आता है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ से कट जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएंगे
वो आपको जीरो जीरो निकल के आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया लॉग एक्स बाई बी माइनस सी कुछ इस प्रकार दिया गया। तो जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू के, तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं कि ए बराबर क्या हो जाता है के इंटू बी माइनस सी, ये पढ़ चुके हैं। तो सेम इसी में क्या करना है, हमको लॉग लगा देना है। तो लॉग एक्स इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी लिखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग एक्स निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10 to the power के इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे x का वैल्यू निकाले वैसे ही हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो y का आएगा 10 to the power k इंटू सी माइनस ए। सेम इसी टाइप से हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं z का वैल्यू निकालना है, तो z इक्वल टू क्या निकल के आएगा 10 to the power k इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक्स टू पावर ए डॉट वाई टू पावर बी डॉट जेड टू पावर सी। तो सिंपल सा 10 देखिए सभी में कॉमन है, कॉमन ले लेना है, ऊपर के ए कॉमन है, उसके बाद बी माइनस सी, फिर हो जाएंगे प्लस पावर में ही देखिए हम लोग लिख रहे हैं के बी इंटू सी माइनस ए प्लस के सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इक्वल टू सब देखिए कट टूट के जीरो बचेगा, आप लोग देख लीजिएगा। इक्वल टू किसी भी पावर जीरो, किसी भी पे भी पावर अगर हम लोग जीरो देते हैं तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। नीचे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे हैं जो कि मैं आपको पेड कोर्स में करवा दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।